संभाग के इकलौते संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर आया रैगिंग का मामला सामने। संभाग के इकलौते श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय में यूं तो आए दिन रैगिंग का मामला आता रहता है, लेकिन वह मामले को अक्सर दबा देते हैं। काफी दिनों बाद फर्स्ट ईयर के छात्रों को सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों ने जमकर मारपीट की। पूरा मामला कॉलेज में पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्रों के बीच का बताया जा रहा है। फर्स्ट ईयर के वह छात्र जो शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं, इस समय काफ़ी भयभीत नजर आ रहे हैं। हॉस्टल के छात्रों ने लगातार धमका रखा है, मार पीट रहे हैं। उन्हीं में से एक छात्र सीनियर छात्रों की पिटाई से घायल होकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंच गया, वहीं पर जहां उसे निकट भविष्य में लोगों का इलाज करना था। आइए आपको सुनाते हैं संजय गांधी अस्पताल में भर्ती मेडिकल छात्र की आप बीती उसी के मुंह से। तो मेरा नाम कांसलिंग चौहान, मैं 2018 का हूँ। परसों की रात 7:30 बजे मैं हम लोग चाय पीने गए, चार लोग PTS चौराहे पे। अचानक से प्री प्लांट थे हॉस्टल के, और वहाँ पे कुछ सीनियर भी थे, उनका नाम विकास सिंह, अक्षय गुप्ता सर। वो चाहते थे लड़ाई रोक सकते थे, और मतलब उन लोग आए प्री प्लांट और पत्थर हाथ में नुकीली चीज़ लेके रखे थे। उन्होंने मारा मेरे पूरे इधर से लेके इधर तक पूरा बहुत मारा, मतलब गिरा दिया, मारने के बाद गिरा भी दिया और फिर भी मारते रहे। और मतलब सीनियर वहाँ पे खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन वो लड़ाई रोके नहीं। ये विवाद किस चीज़ को लेके हुआ है? विवाद ये बस फ्रेशर में थोड़ी सी बात हुई थी, फ्रेशर मतलब हमारा फ्रेशर आने वाला है, उसमें मतलब थोड़ी सी बातचीत हुई थी। उसके बाद हम लोग चाय पीने चले गए, उसके बाद उन लोगों ने मारा। और ये लोग कौन है जो मारपीट किए हैं? सर हॉस्टल के हैं, इनका नाम अब्दुल अहद फिरोजी, विकास सिंह, क्षितिज गुप्ता, पृथ्वी सिंह डांगी, सुजा स्मोदी, शुभम पटेल। आप ही के साथ बस मारपीट हुई कि और लोग भी थे जो आपके साथ हैं? हमारे साथ जो दो तीन लोग, उनके साथ भी मारपीट हुई। ये कौन से ईयर के छात्र हैं वो आरोपी? वो हमारे साथ के हैं और दो सीनियर हैं हमारे। सुना आपने, यह थी उस छात्र की आप बीती जो बड़ी उम्मीदों के साथ डॉक्टर बनने के लिए रीवा के श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय में आया था। वहीं इस घटना से हैरान परेशान छात्र डॉक्टर बनने के लिए रीवा के श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय में आए थे, वह काफ़ी भयभीत हैं। उनका साफ तौर से कहना है, हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। वह कॉलेज परिसर में मौजूद थे, वहीं पर उन्होंने यह बात कही। दीपक शर्मा है, मैं संजय गांधी में इंटर्नशिप, मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं संजय गांधी में इंटर्न हूँ और श्याम साह मेडिकल कॉलेज से मैंने यूजी करी है। और हम लोग नॉन हॉस्टलर्स लोग हैं, बाहर रहते हैं, जो जिनको डे स्कॉलर्स बोला जाता है। तो हम लोग शांति माहौल से बाहर आराम से रहते हैं, लेकिन हॉस्टल वाले गुट बना के हमारे ऊपर दबाव डेली बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। रोज़ किसी ना किसी को सीनियर जूनियर को पिटवा रहा है वहाँ से, भड़का के, धमका के, और कॉलेज कोई एक्शन नहीं ले रहा है। लगातार 4 साल हो चुके हैं ये चीज़ होते हुए, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया हुआ है। हमको हमेशा बोल देते हैं कि कुछ होगा, ना ही उन बच्चों के ऊपर कोई फैकल्टी एक्शन होने देती है पुलिस की साइड से, और वो इस तरीके की मारापीटी करते हैं कि बच्चों को हॉस्पिटलों में भर्ती होना पड़ रहा है। एक बच्चे को अभी भी हॉस्पिटलाइज करवाया हुआ है। उन पे दबाव बना कि आप रिपोर्ट ना करो, पुलिस रिपोर्ट नहीं होने दी, और उस बच्चे को बोल दिया कि तुमसे माफ़ी मांग लेंगे, ये हो जाएगा और सब सेटल हो जाएगा। और ये 4th-5th इंसिडेंट है जिसमें बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा, या पट्टा चढ़ाओ या सिर फोड़ाओ। हम यहाँ पे ये मांग कर रहे हैं कि हमारे पास में भी, जैसे एक हॉस्टल पे वार्डन है, हमारे पास में भी एक वार्डन की तरह एक रिप्रेजेंटेटिव टीचर होना चाहिए, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट, जो इस तरीके के एक्शन होने पे हमारे लिए बोले। हमारे लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, और हम डेली बेसिस पे मार खा रहे हैं हॉस्टल वालों से। क्या नाम है छात्र का जिसके साथ मारपीट हुई आज? छात्र का नाम है प्रांशु चौहान। किस ईयर का छात्र है? फर्स्ट ईयर का छात्र है, और सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के छात्रों ने और थर्ड ईयर के छात्रों ने वहाँ पर गुट बना के मिल के उसको मारा है। और कई असामाजिक तत्वों की तरह छात्र भी वहाँ पे असामाजिक हो चुके हैं, और वो हर साल ये कर रहे हैं। उनके ऊपर पुलिस केस भी हो चुके हैं, और उनको निकाला नहीं जा रहा है हॉस्टल से, ना ही कॉलेज से, ना उनके पेरेंट्स को पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यानी उनको पूरा कॉलेज से शय मिला हुआ। आज आप लोग यहाँ धरने? आज यहाँ पर धरना नहीं है, हम लोग यहाँ पर सेफ हैं, बस बाहर नहीं है, हम यहाँ से नहीं जा सकते। हुई थी ये मारपीट? मारपीट कहाँ हुई? मारपीट PTS पे, सड़क पे। कहे से मारपीट की गई है? जो मिल जाता है उनको, डंडा, पत्थर, गुंडों जैसे लड़ते हैं। विवाद किस चीज़ को बार बार हो रहा है? विवाद, पहले गाली गलौज करा, मना करने पर बोला तुमको देख लेंगे, आ जाओ, क्या कर लोगे। और जब वो उनको PTS पे मिल गए तो झुंड बना के मार दिया।
और बच्चा भर्ती है इस समय पे। डीन से शिकायत की आपने? डीन से सर से हम हर साल शिकायत कर रहे हैं, कम से कम 5 से 6 शिकायत कर चुके हैं। 4 एप्लीकेशन तो मेरे हाथ की लिखी हुई है और एक उस पर तो कम से कम 60 से 70 साइन है, लेकिन उस बार भी ये कह के पाँव छू के हॉस्टल वालों ने पाँव छू के माफ़ी मांग ली और बोल दिया अगली बार गलती नहीं करेंगे, और फिर मार रहे हैं। अभी रात काट के आए थाने में डिलीवरी बॉय को मारा, कभी पुलिस वालों से लड़ते हैं, कभी ऑटो वालों से लड़ते हैं, मतलब एक तरीके से गुंडे पले हुए हैं वहाँ पे, और ये चीज़ें बंद नहीं हो रही हैं, और हम चाहते हैं कि आज स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए वरना हम लोग स्ट्राइक पे जाएंगे। अगर हम बाहर गए तो हॉस्टल के छात्र एक बार फिर से हमला कर सकते हैं। कॉलेज के छात्र चाहते हैं डीन इस मामले में कुछ एक्शन लें जिससे वह निश्चित होकर अपनी पढ़ाई कर सकें। आइए आपको सुनाते हैं कॉलेज के एक और छात्र की आप बीती। लाइट जल सर। सर कुछ छात्र बैठे हुए हैं, क्या समस्या लेके बैठे? ये हमारे यहाँ पे जो छात्र है, एक हॉस्टलर ग्रुप होता है, एक डे स्कॉलर मतलब जो कि यहाँ पर विभिन्न शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैट में रहकर रहते हैं या जिन लोगों के यहाँ घर हैं। तो अभी सामान्यतः क्या होता था पहले के समय में कि एक सीनियर बैच जूनियर बैच को परेशान, अभी क्या हो रहा है लास्ट 2-3 सालों से ये आपस में ही किसी बात को लेके तनातनी इन बच्चों में हो जाती है। जैसे कुछ प्रोग्राम है तो उसमें एक ग्रुप अपना वर्चस्व दिखाता है कि ये प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज करूँगा, दूसरा ग्रुप कहते हैं ये हम करेंगे। तो दो ग्रुप हमारे यहाँ पे हमेशा रहते हैं, हॉस्टल और डेस्क जो बाहर से आके पढ़ाई करते हैं कराई में, और कुछ लोग जो है हॉस्टल में रहते हैं। तो हमेशा ये देखने में आया है कि दोनों के बीच में एक तनातनी हो जाती है किसी बात को लेकर। तो हम लोगों ने कोशिश पूरी करी कि दोनों को ही बच्चे हमारे हैं, हमारे लिए सब बच्चे समान हैं, चाहे वो कहीं भी रहे, क्लास में एक जगह बैठते हैं, एक जैसा रहता है। परंतु जब बात आती कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने की, तब इन लोगों में आपस में हो जाती है, वो कहते हैं कि हम करेंगे, वो कहते हैं। तो कुछ विगत दिनों से देखा है 2016 के बीच में लड़ाई हुई आपस में ये बात को लेके कि इस प्रोग्राम को हम करेंगे। 17 में यही हुई, 18 में हुई, परसों के दिन जो हुई वो उसमें 18 में यही बात हुई थी कि एक फ्रेशर पार्टी रखना चाहते थे, वो उसी को ध्यान में रखते हुए आपस में वेन्यू के लिए कि शहर के अंदर होना चाहिए, कई लोग कहते शहर के बाहर होना चाहिए, टाइमिंग दिन के होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, कॉलेज के बाहर, इसी बात को लेकर आपस में तनातनी। सर इनकी मांग क्या है? इन लोगों की मांग ये रहती है कि टीचर्स जो है वो हम जो हॉस्टल है इन लोगों में ये लोग इनको ऐसा महसूस होता है कि हम लोग भेदभाव करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए बच्चे चाहे हॉस्टल में रहते हो चाहे वो रहते हो क्लास में, हमारे लिए सब एक जैसे होते हैं। और ये इनकी ये है कि हर बार ये होता है कि हॉस्टल वाले पूरे ग्रुप में आ जाते हैं और हम लोगों के साथ में मार पिटाई करते हैं। ये शहर में विभिन्न इलाकों में अलग अलग रहते हैं, तो इनको ये लगता है कि हम अकेले पड़ जाते हैं, और ये हॉस्टल के जो ग्रुप के बच्चे हैं जो 10-12-20 एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो हम लोग टीचर लोग उन पर हॉस्टल और के अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। कई बार ये देखने में आया कि वो लोग इन पर ज़्यादा हावी पड़ जाते हैं, जो डे स्कॉलर है वो इकट्ठा हो गए, जैसे ये लोग इनका बड़ा इतना बड़ा ग्रुप है, वैसे उनका अपना 20-25 का ग्रुप होता है, तो इनको लगता है कि वो ज़्यादा हम पर हावी हो रहेंगे और हम लोगों का शह है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस समस्या दोबारा ना हो तो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? इसमें हम लोगों ने कमेटी बनाई है, जो भी इसके लिए बच्चे जिम्मेदार होंगे, जिन लोगों ने किसी के साथ भी गलत किया है, तो उनकी जो अनुशासन पर कार्रवाई होती है हमारे यहाँ की जो कमेटी है वो